ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियर शाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहो मोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। स्कूल टाइम 9वीं से 12वीं में कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं मिसेज रूमा देवी से, जो राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान चलाती हैं। 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने हस्तकला कार्य से 22,000 से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ चुकी हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली लोगों से बातचीत करने में अच्छे होते हैं या किसी काम में अच्छे होते हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो स्कूल में रहते रहते अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे कपड़े से जुड़ा हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ, तो उनको शुरुआत में क्या कदम लेने चाहिए, मतलब क्या आप उनको टिप्स देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करो तो एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे बच्चों की उम्र होती है तो उसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन वो पहले सबसे पहले तो ये पहचाने कि मेरी खूबी किस में है, मेरे इंटरेस्ट का क्या सब्जेक्ट है, उसके साथ जाएगा तो वो जिंदगी भर खुश भी रहेगा और उसमें रुचि बनी रहेगी कि नया नया कुछ करने के लिए। जो आर्ट एंड कल्चर है, जो अपने हर शहर में अलग अलग कला है और जहाँ से भी बच्चे आते हैं उनके गांव में कोई न कोई कला ऐसी है, पारंपरिक कला, जिसे वो खुद अपना करियर बना सकते हैं और गांव के लिए रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। आजकल ये हो गया, सब शहरों की ओर भाग रहे हैं, वहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन वही अगर गांव में देखें कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ कुछ नया कर सकता हूँ, तो वो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और गांव वालों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। यह रहा आपका घर का चैलेंज। आपकी कोई भी एक स्किल जैसे कि सिलाई, खाना बनाना, ऊन से बुनाई संबंधित कुछ चीज बनाकर लोगों को दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या उन्हें यह पसंद आई। अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।